विराट सर, विराट सर आ गए। विराट, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे, मुझे पता था इस बार जब विराट लौट कर आएगा ना तो सही उसका स्वागत अपनी बाहें फैलाकर ही करेगी। मेरी बात सच निकली, बस अभी यही उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ऐसे ही एक साथ रहे, पति पत्नी बनकर। अरे अता आतरिया। हाँ, आइए। है, अब आ गए हैं ना, अब सब ठीक है। वैसे आप ठीक तो है ना? तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ, खुद ही देख लो। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोग? तू खंडवा, तुझे खूब खूब आभार। खुश रहे, खूब तरक्की कर। ए लड़की, देख आ गया तेरा पति, जीत हासिल करके आ ही गया। अब देख इसे जी भर के, कितना परेशान करके रखा था इसने सबको। विराट, शिवा आ गया। शिवा, विराट, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही मेरे भाई। मिशन पे तो तूने झंडे गाड़ दिए होंगे, सक्सेसफुल रहा ना मिशन? हाँ जी। मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाने में फेल हो गया। आपके हाथ का मौली कहाँ है? तुम्हारी मौली ने ही मेरी जान बचाई। सही, विराट सर को सही सलामत घर वापस लाने के लिए बहुत 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 थैंक यू। वीरू, तू कहाँ चला गया?
गया था और तू सही से दूर क्यों गया? तू है ना कभी सही से दूर मत जाया कर। तुम जो दूर हो जाते हो ना तो हम सबको बहुत डर लगता है। और पता है वीरू, मुझसे ना एक गलती हो गई। वो मेरे हाथ से है ना सही का मंगलसूत्र टूट गया था। अरे ताई 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 ताई, ये सारी बातें जाने दीजिए ना। अब तू विराट सर सही सलामत घर वापस आ गया ना, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। जो बीत गया सब बीत गया। देखो विराट, अब कितनी शांत और कितनी समझदारी से बर्ताव कर रही है देखा। लेकिन जब तू गए थे ना तब से सर पे उठा लिया था सबको उसने। तुम्हारे लौटने के लिए 3 दिन का उपवास रखा था इसने, कुछ खाए पिए बिना नमस बोली थी। कल से कन्ना का दाना भी इसके पेट में नहीं गया, पूछे इसको। दादा आप आ गए। मिशन व्यवस्थित डाला ना। दादा मैं आपका बैग लेकर आता हूँ। मोहित मेरा सामान अभी तक आया नहीं है। क्यों? आप अपना लगेज आपने मिशन पे भूला है क्या? मस्त मस्त। अरे विराट इतनी बड़ी मिशन कंप्लीट करके आया है और तुम लोग हो कि उसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। इसे सांस तो लेने दो। कोई बात नहीं काकू, समझ सकता हूँ। सब मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। दरअसल सही, मेरी टीम पहले वापस आ गई थी और मुझे थोड़ा और रुकना पड़ गया था इसीलिए। मैं जानती हूँ आप अकेले क्यों आए। सही को श्रुति के बारे में कैसे पता? ये बात तो किसी को पता नहीं है, मेरी टीम को भी नहीं। सही तुम्हें क्या पता है और कैसे? मैंने DIG सर को कॉल किया था। और क्या कहा उन्होंने? नहीं एक्चुअली उनसे बात नहीं हो पाई, उनका फोन तो ऑफ जा रहा था, इसलिए फिर मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था। वहां से मुझे पता चला कि पूरी टीम आपकी वापस आ गई है लेकिन आप अकेले न जाने कहां चले गए और सब लोग बहुत परेशान थे। और हम भी बहुत परेशान हो गए थे विराट, और खास तौर पर सही। सही मेरे बारे में जानने के लिए बार बार मेरे ऑफिस में या मेरे सीनियर्स को कॉल करना अच्छी बात नहीं है। सॉरी लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। फोन की बैटरी डेड हो गई है, चार्ज कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे होंगे ना। आई होप घर में कोई भी सदा की मौत के बारे में ना बात करे। पानी आप ठीक तो है ना? आप इतने चुपचाप क्यों हैं? कुछ सोच रहे हैं क्या?